हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्रूड के एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्रूड ऑयल बंद हुआ है 7960 पे, लगभग 190 रुपीज गेन के साथ 2.5% ऊपर बंद हुआ है। और मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने 10,000 का लेवल छूने के बाद अच्छा खासा नीचे के तरफ रिट्रेसमेंट दिया। अभी नीचे के लेवल से भी थोड़ा सा बाउंस बैक दे रहे हैं। तो यहाँ हमने 4 महीने में लगभग 100% प्लस के रिटर्न्स देखे। 4 महीने पहले लो था लगभग 4700 का, हाई देखा हमने लगभग 10,000 का। तो यहाँ जो है, तो ये सभी टारगेट जो है, इन्वेस्टमेंट टारगेट अचीव करके अभी जो है तो करेक्टिव फेज में जा रहा है। और ये दर्शा रहा है कि जिस तरह से ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ रहा है, मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल जो है तो आने वाले समय में नीचे फिर से जो है तो 4700 और उसके नीचे के भी लेवल एक बार दिखा सकता है। इसका जो पिवोट है वो है लगभग अराउंड 5100 के अराउंड। तो यहाँ जो है तो 5100 तक के लेवल जो है तो लॉन्गर टर्म में देख सकते हैं। और यहाँ मेरा लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा सेल ऑन राइज या फिर प्रॉफिट बुकिंग। मंथली चार्ट पे जो अभी मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो है 6400 का पहला सपोर्ट जो सुपर ट्रेंड का है, और उसके बाद में 5300 का सपोर्ट जो है 20 मंथ का एवरेज। तो उन लेवल के तरफ अभी धीरे धीरे क्रूड बढ़ेगा ऑन लॉन्गर टर्म चार्ट। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि लास्ट वीक जो है तो हम लगभग 3% नीचे बंद हुए थे 250 पॉइंट के लॉस के साथ। इस वीक हम 4.5% नीचे बंद हुए हैं लगभग 375 रुपये के लॉस के साथ। नीचे के लेवल से अच्छे खासे रिकवर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ जो है तो मल्टीपल सपोर्ट थे, तो उन सपोर्ट से हमें थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिला या फिर फ्रेश बाइंग भी देखने को मिली। मगर मुझे लगता है कि यहाँ से जो है तो हम धीरे धीरे नीचे के लेवल तक ही जाएंगे। और यहाँ फिर से मेरे जो नीचे के टारगेट्स हैं वो रहेंगे लगभग 7400 और उसके बाद में 6700 के टारगेट हमें वीकली चार्ट पे देखने को मिलेंगे मीडियम टर्म में। ऊपर जो है तो रेजिस्टेंस रहेगा 9000 के अराउंड। अगर उस लेवल पे अगर क्रूड मिलता है तो आपको उन लेवल पे शॉर्ट जाना चाहिए विद स्टॉप लॉस, जिसके टारगेट रहेंगे 7400 उसके बाद में 6700। ये दो टारगेट के लिए आप मीडियम टर्म में शॉर्ट जा सकते हो, मगर आपको शॉर्ट करना है 9000 के अराउंड अगर मिलता है तो। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं हमने टॉप बनाया, अच्छी खासी रैली देखी मोमेंटम के साथ, अच्छी खासा सेल ऑफ भी देखा मोमेंटम के साथ। अभी जो है तो बाउंस बैक कर रहा है लगभग 8600 और 9000 के लेवल की तरफ। तो इन लेवल पे अगर क्रूड मिलता है तो मेरी सलाह रहेगी कि इन लेवल पे आपको शॉर्ट जाना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यहाँ जो है तो वोलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी, और ये जो ट्रेड है ये सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए, और जिनका रिस्क प्रोफाइल है उतना रिस्क लेने की उनके लिए ही है ये ट्रेड, छोटे ट्रेडर के लिए नहीं रहेगी। और छोटे ट्रेडर ने ऐसे कमोडिटी में ट्रेड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दिन में 300-400 पॉइंट हिलता है, अभी जिस तरह से क्रूड हिल रहा है तो उससे जो है तो आपका एक तो जो छोटे ट्रेडर है उनका अकाउंट पूरा ब्लो अप हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत एडजस्टमेंट के साथ ट्रेड करते हैं विथ लो कैपिटल एंड वेरी लिटल रिस्क, और उसके वजह से जो है तो उनके अकाउंट ब्लो अप हो जाते हैं। ये जो ट्रेड है ये सिर्फ हाई रिस्क ट्रेडर के लिए रहेगा, और यहाँ हम सेल करने की कोशिश करेंगे अगर हमें क्रूड 9000 के अराउंड मिलता है तो विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस या 400-500 पॉइंट का रखना पड़ेगा, मतलब वन लॉट पे 50,000 का रिस्क रहेगा। और नीचे जो है तो 1400 से लेकर 2500 का टारगेट मिलता है हमें, तो वहाँ जो है तो रिस्क रिवॉर्ड बैठता है 1:3, 1:5। तो यहाँ मेरा क्रूड पे सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। फिलहाल हम बाउंस बैक मोड में हैं, तो यहाँ जो है तो हम अभी 20 डेज का जो एवरेज है उसके ऊपर क्लोज कर चुके हैं। तो यहाँ ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहेगा, और इस बाउंस बैक के जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 8600 उसके बाद में 9000 के। यहाँ लॉन्ग करना है, मगर हम लॉन्ग सिर्फ इंट्राडे में ही करेंगे, आई विल नॉट प्रीफर पोजिशनल लॉन्ग्स। और जिन्हें जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है उनके लिए अभी स्टॉप लॉस है 7700 का, उसके नीचे आप जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कीजिए और ये पोजीशन होल्ड कीजिए। आपको अगले हफ्ते 8600 और हो सकता है कि 9000 के भी टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल से लगभग 700 से 1100 पॉइंट के ऊपर के टारगेट है, और अगर बाय करना भी है आपको 7700 के अराउंड बाय कीजिए विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यहाँ स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो है तो यहाँ करेक्टिव ट्रेंड जो है तो कभी भी कंटिन्यू हो सकता है, और हम फिर से जो है तो नीचे के लेवल जो है तो क्रूड में आते हुए देख सकेंगे। यहाँ जो है तो जिस तरह से यहाँ रैली आने के बाद शॉर्ट
ट्रैप हुए थे, अभी यहाँ जो है तो क्रूड ये बाउंस बैक देकर लॉन्ग ट्रैप करेगा, और अगर लॉन्ग ट्रैप होते हैं तो फिर से जो है तो उसके बाद में हमें अच्छा खासा स्लम्प भी देखने को मिलेगा क्रूड में। तो यहाँ करंटली बाउंस बैक मोड में है तो लॉन्ग जा सकते हो, और मैं जो है तो मोस्टली आई विल प्रीफर इंट्राडे लॉन्ग, आई विल नॉट कैरी पोजिशनल लॉन्ग। पोजिशनली अगर 9000 के अराउंड मिलता है हमें तो हम पोजिशनल शॉर्ट क्रिएट करेंगे, जिसके टारगेट नीचे की तरफ रहेंगे 7400, उसके बाद में 6700, ये दो टारगेट के लिए हम, और ये मीडियम टर्म ट्रेड रहेगा, मतलब ये जो ट्रेड रहेगा ये मिनिमम 3 से 4 हफ्तों के व्यू से रहेगा अगर हम ऊपर के लेवल पे शॉर्ट लेते हो तो। आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो विथ लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलोअप, तो जो प्रीमियम सर्विस है वो ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।